आज अपन बात करते हैं एक नए चैप्टर की जिसका नाम है स्क्रैपर। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले स्क्रैपर में ये समझेंगे कि स्क्रैपर आखिरकार होता क्या है, दूसरी चीज कि स्क्रैपर बनते किस चीज के हैं और इनका यूज कहाँ के है। फिर उसके बाद अपन बात करेंगे स्क्रैपर के टाइप्स की, फिर उसके बाद स्क्रैपिंग करने की विधि। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं स्क्रैपर क्या है। दरअसल क्या होता है, स्क्रैपर एक प्रकार का हैंड कटिंग टूल। हैंड कटिंग टूल का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा टूल जिसका यूज आप हाथों से पकड़कर धातुओं को काटने के लिए करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा हैंड कटिंग टूल है जिसका यूज केवल किसी सरफेस को, किसी सरफेस के ऊपर से बहुत ही कम मात्रा में बोला जाए अनावश्यक धातुओं को हटाने के लिए किया जाता है, या फिर किसी सरफेस के ऊपर यदि जंग की एक परत लग गई हो तो उस जंग की परत को हटाने के लिए किसका यूज किया जाता है, स्क्रैपर का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं स्क्रैपर बनते किस चीज के। ये जो स्क्रैपर होता है दरअसल टूल स्टील, हाई कार्बन स्टील या फिर बुलेट फाइल के बनाया जाता है। बुलेट फाइल का मतलब ऐसी फाइलें जो कि यूज होते होते क्या हो जाती है, पूरी तरीके से घिस जाती है। तो उन फाइलों को क्या किया जाता है कि उन फाइलों को गर्म करके दोबारा उन्हें इस स्क्रैपर का शेप दे दिया जाता है। तो ये दरअसल बुलेट फाइल की बनती है। तो इस कारण क्या होता है कि इसमें भी एक शोल्डर पाया जाएगा, टैंक पाया जाएगा, लकड़ी का हैंडल पाया जाएगा और फिर साइड एज फेस और इसके बाद आगे की तरफ पाया जाता है कटिंग एज। इसमें क्या होता है कि आपका जो स्क्रैपर होता है, स्क्रैपर में काटने वाला एज अगला सिरा या बोला जाए टिप टो या पॉइंट, जैसे फाइल में होता था टिप टो या पॉइंट, वहां पर क्या होता है स्क्रैपर पर कटिंग एज पाया जाता है। अब ये जो स्क्रैपर होता है इस स्क्रैपर का यूज सरफेस, प्लेन सरफेस के ऊपर, मान लीजिए आपके पास एक जॉब का सरफेस है, इस जॉब सरफेस से क्या करना है, ऊपर के सरफेस से अनावश्यक धातु को हटाना है। तो अनावश्यक धातु को हटाने के लिए किया स्क्रैपर को लगाया और चिपिंग करना स्टार्ट कर दिया, चिपिंग या बोला जाए स्क्रैचिंग। स्क्रैचिंग करके क्या किया, अनावश्यक धातु को काट कर निकाल दिया, ठीक है। अब ये जो बुलेट, ये जो स्क्रैपर होते हैं दरअसल, इस स्क्रैपर का जो कटिंग एज होता है अगला सिरा, ये कैसा होता है, हल्का सा कॉन्वेक्स, ये क्या होता है, हल्का सा चौड़ाई है आगे से क्या होगा, हल्का सा चौड़ा होता है पीछे के बॉडी के अपेक्षा, ये क्या होगा अगला सिरा थोड़ा चौड़ा रहेगा। और इसका जो कटिंग एंगल होता है वो कितना रखा जाता है, 81 डिग्री। यहाँ पर मैंने एंगल दिखाया था कितना, कटिंग एंगल 81 डिग्री रखा जाता है स्क्रैपर। अब ये जो स्क्रैपर होते हैं, स्क्रैपर का को जब किसी सरफेस के ऊपर रखकर यूज किया जाता है उस समय स्क्रैपर का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 81 डिग्री तक का होता है। मतलब कटिंग एज जो होता है स्क्रैपर के कटिंग एज को 81 डिग्री के एंगल पर ग्राइंड करकर उस पर एज को तैयार किया जाता है। जब एज तैयार हो जाती है, एज को तैयार करते सब करने के बाद जब स्क्रैपर को आप किसी जॉब सरफेस पर रखते हैं, जॉब सरफेस पर रखते हैं तो उसे क्या किया जाता है, आगे की तरफ पुश करके, आगे की तरफ पुश करके मतलब एक चिपिंग मेथड के थ्रू आगे की तरफ पुश करके अनावश्यक धातु को छीलन के तौर पर निकाल लिया। ये जो धातु निकलते ही बहुत ही कम मात्रा में निकलते हैं, ठीक है। तो इस कारण क्या होता है, इस स्क्रैपर का यूज फाइलिंग और ग्राइंडिंग, स्क्रैपर बहुत ही कम मात्रा में धातु निकालता है। इस कारण क्या होता है, स्क्रैपर का यूज जब किसी सरफेस पर फाइलिंग व ग्राइंडिंग के ऑपरेशंस कर लिए जाते हैं उसके बाद स्क्रैपिंग का ऑपरेशन किया जाता है सरफेस को और भी ज्यादा एक्यूरेट बनाने या स्मूथ बनाने के लिए। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं स्क्रैपर के टाइप्स की। तो स्क्रैपर क्या होते हैं दरअसल, बेसिकली दो तरीकों से उन्हें क्या कर दिया गया, अलग 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 टाइप्सों में बांट दिया गया। जैसे कि आपका पहला जो टाइप बोल दिया गया है वो बोल दिया आपका कार्य के अनुसार स्क्रैपर के प्रकार, और दूसरा बोल दिया गया है शेप के अकॉर्डिंग स्क्रैपर के प्रकार। तो पहले अपन यहाँ बात करेंगे कार्य के अनुसार स्क्रैपर के टाइप्स। तो जैसे कि मैं बताना चाहूंगा आपको कि स्क्रैपर कार्य के अनुसार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पुश स्क्रैपर और एक होता है पुल स्क्रैपर। पुश स्क्रैपर मतलब ऐसा स्क्रैपर जिसका यूज करते समय स्क्रैपर को पुश किया जाता है, धकेला जाता है आगे की तरफ, क्या किया जाता है धकेला जाता है, तब जाकर वो क्या करता है इस मेटल की सतह से मटीरियल को काट कर निकाल देता है।
तो इस प्रकार के स्क्रैपर में जो स्ट्रोक लगता है वो क्या लगता है फॉरवर्ड स्ट्रोक। फॉरवर्ड स्ट्रोक में क्या करता है ये आपका पुश स्क्रैपर कार्य करता है। अब बात आती है पुल स्क्रैपर मतलब पीछे की तरफ खींचने वाला स्क्रैपर, मतलब ऐसा स्क्रैपर जब अपन इसका यूज करेंगे तो उसको पीछे की तरफ मतलब बैकवर्ड स्ट्रोक में पीछे की तरफ खींचते हुए चलेंगे और ये स्क्रैपर क्या करेगा मेटल की सरफेस से मेटल को काटता हुआ बाहर निकाल देगा। अब यहां अपन बात करते हैं कार्य के अनुसार स्क्रैपर के प्रकार मतलब शेप के अकॉर्डिंग स्क्रैपर के प्रकार। तो शेप के अकॉर्डिंग स्क्रैपर के मुख्यतः छह प्रकार होते हैं। पहला प्रकार जो आता हुआ था आपका फ्लैट स्क्रैपर। फ्लैट स्क्रैपर ये क्या होता है चपटा तो रहता है लेकिन इसका आगे का जो सिरा होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है और उसे कॉन्वेक्स में बनाया मतलब हल्का सा कर्व में बनाया जाता है इसके कटिंग एज को। इसका जो कटिंग एज होता है वो 81 डिग्री पर क्या किया जाता है वन साइडेड ग्राइंड किया जाता है तब जाकर इस पे क्या होती है कटिंग एज तैयार होता है। इस स्क्रैपर का यूज समतल सतह पर स्क्रैपिंग करने के लिए किया जाता है। अब बात आती है दूसरे स्क्रैपर की वो आता है आपका हुक स्क्रैपर। हुक स्क्रैपर जो होता है वो क्या होता है ये दिखने में नॉर्मल फ्लैट स्क्रैपर की तरह रहता है लेकिन अंतर ये रहता है कि हुक स्क्रैपर का जो कटिंग एज होता है वो 90 डिग्री पर क्या किया जाता है मोड़ दिया जाता है। 90 डिग्री पर क्या किया जाता है मोड़ दिया जाता है। इस कारण ये क्या करता है जब भी इसको यूज किया जाता है तो उसका यूज बैकवर्ड स्ट्रोक पे किया जाता है। फ्लैट स्क्रैपर का यूज फॉरवर्ड स्ट्रोक पे और हुक स्क्रैपर का यूज बैकवर्ड स्ट्रोक में किया जाता है। जो हुक स्क्रैपर होता है इसका यूज बहुत ही बड़ी या बोला जाए बड़ी सतह पर स्क्रैपिंग करने के लिए किया जाता है और इस स्क्रैपर का यूज ज्यादा फिनिशिंग प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। अब अगला जो स्क्रैपर आता है वो आता है आपका हुक स्क्रैपर का हाफ राउंड स्क्रैपर का। हाफ राउंड स्क्रैपर दिखने में हाफ राउंड दिखाई देता है और इसका यूज बॉल बेयरिंग और बॉल बेयरिंग की फिनिशिंग करने के लिए किया जाता है और इस स्क्रैपर को बेयरिंग स्क्रैपर के नाम से भी जाना जाता है। इस स्क्रैपर पर डबल साइडेड एज तैयार की जाती है ताकि इसका यूज करते समय ये क्या कर सके दोनों एजों से काटने का कार्य कर सके। फिर उसके बाद आता है ट्रायंगुलर स्क्रैपर। ट्रायंगुलर स्क्रैपर का शेप जो होता है वो ट्रायंगुलर आकार मतलब त्रिभुजाकार होता है और इसके तीन कटिंग एज होते हैं। तीन कटिंग एज मतलब यहां से भी ये काट सकता है ऊपर वाले एज से भी कटिंग कर सकता है और इसके पीछे वाले एज से भी क्या कर सकता है ये कटिंग कर सकता है। इसका जो एंगल होता है नॉर्मली 45 डिग्री तक का रखा जाता है ये ट्रायंगुलर स्क्रैपर। इस स्क्रैपर का यूज बुश बेयरिंग के किनारों को एज करने के लिए किया जाता है और साथ ही ये क्या करता है मान लीजिए कोई सिलेंड्रिकल चीज है उसके उस पे क्या करने के लिए स्क्रैपिंग करने के लिए भी क्या किया जा सकता है ट्रायंगुलर स्क्रैपर का यूज किया जा सकता है। अब बात आती है डबल हेडेड या बोला है डबल हैंडेड स्क्रैपर जो होता है उसके दोनों साइडों पर क्या होता है हैंडल बने होते हैं और इस स्क्रैपर का यूज ज्यादा बड़ी सरफेस पर स्क्रैपिंग करने के लिए किया जाता है। इस पर क्या होता है इसका यूज कर्व्ड सतह मतलब मान लीजिए कोई सरफेस है जिसका शेप क्या है कर्व्ड है तो इस कर्व्ड सतह पे क्या करने के लिए स्क्रैपिंग करने के लिए भी इस स्क्रैपर का यूज किया जा सकता है। अब बात आता है बुलनोज स्क्रैपर। बुलनोज स्क्रैपर जो होता है उसका आगे का जो कटिंग एज रहता है वो एक सांड के नथुने के समान आगे से फूला हुआ दिखाई देता है। ये क्या होता है इसका जो बुलनोज स्क्रैपर का जो बोला जाए कटिंग एज होता है ये क्या होता है गोल डिस्क के समान होगा। गोल डिस्क के समान तो रहेगा लेकिन इसका दो तिहाई भाग गोल होता है बाकी वाले एरिया पर क्या होता है फ्लैट पोर्शन जुड़ा हुआ रहता है। इस पर क्या होता है कि इस पे जो कटिंग एज भी तैयार होगी वो भी क्या होगा पूरे गोल डिस्क के समान क्या होगा कटिंग एज यहाँ पर तैयार होगी। इसका यूज क्या होता है फ्लैट व हाफ राउंड सतह पर किया जाता है। अब अपन यहाँ पे अपन बात करते हैं स्क्रैपर के कटिंग एज को बनाना। स्क्रैपर के कटिंग एज को तैयार करने या बोला जाए आपके पास एक स्क्रैपर है इसका आप लगातार यूज कर रहे हैं यूज करने के साथ ही साथ क्या होगा सर कटिंग एज भी क्या होगा समाप्त होने लगे तो आपने इसको बहुत यूज कर लिया आपका इसका कटिंग एज मतलब स्क्रैपर कटिंग एज क्या हो गया खराब हो तो उस कटिंग एज को तैयार करना है मतलब इसे दोबारा ग्राइंड करके इसके कटिंग एज को शार्प करना। तो शार्प करने का तरीका क्या रहता है इसमें कटिंग एज पे कि जब भी आप लोग किसी भी स्क्रैपर पर या बोला जाए मान लीजिए मेरे पास एक फ्लैट स्क्रैपर है इस फ्लैट स्क्रैपर का मुझे कटिंग एज तैयार करना है तो
कटिंग इस तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि फाइन सिलिकॉन कार्बाइड बीम जिसका फाइन ग्रेड कितना होना चाहिए 120 से लेकर 150 का होना चाहिए, ऐसे बीम पर मैं क्या करूंगा स्क्रैपर पर रख, स्क्रैपर को इस बीम के सामने रखकर इसे कॉन्वेक्स के रूप में मतलब बोला जाए आर्क मेथड में या आर्क चाप लगाकर इस पर क्या करूंगा इस पर एक बोला जाए कि एज को तैयार करूंगा। इस तरीके से आर्क मेथड से क्या करने से ग्राइंडिंग करने से क्या होगा इस स्क्रैपर का जो अगला सिरा होगा या कटिंग एज होगा वो क्या हो कॉन्वेक्स में तैयार हो, कॉन्वेक्स में तैयार हो गया। जब इस तरीके से ग्राइंडिंग हो जाती है, ग्राइंडिंग हो जाने के बाद इसके कटिंग एज को और भी ज्यादा शार्प करने के लिए ऑयल स्टोन पर हॉनिंग की प्रोसेस की जाती है। ऑयल स्टोन पर क्या किया था हॉनिंग के ऑपरेशन किए जाते हैं और ये जो हॉनिंग का ऑपरेशन जब किया जाता है तो इसे रॉक एंड रोल मूवमेंट दिया जाता है। रॉक एंड रोल मूवमेंट मतलब आपने यहाँ पे रखा इसे आपने रोल किया इस टाइप से आपने किया ऑयल स्टोन पर रोल किया तब जाकर क्या होता है कटिंग एज और भी ज्यादा शार्प हो गया। अब ये जो कटिंग एज होते हैं अलग अलग स्क्रैपर पर अलग अलग तैयार किए, जैसे मान लीजिए फ्लैट स्क्रैपर पर 81 से लेकर 90 डिग्री का एंगल रखना पड़ता है कटिंग एज पर। हाफ राउंड स्क्रैपर पर 45 टू 60 तक का आप लोगों को कटिंग एज तैयार करना पड़ता है और ट्रायंगुलर स्क्रैपर पर 55 से लेकर 60 डिग्री तक का कटिंग एज तैयार करना रहता है। अब यहाँ पर बात करते हैं स्क्रैपिंग करने की मेथड, आखिरकार एक समतल सतह पर आप लोग स्क्रैपिंग किस तरीके से कर सकते हैं वो चीज समझेंगे। मान लीजिए आपके पास एक फ्लैट जॉब रखा हुआ है, इसके सरफेस पर क्या करना है स्क्रैपिंग करना है। स्क्रैपिंग करने के लिए मान लीजिए मैंने किसका यूज किया फ्लैट स्क्रैपर का यूज किया फ्लैट सर्फेस पर स्क्रैपिंग करने के लिए, तो इसका यूज मैं कैसे करूंगा सबसे पहले स्क्रैपर को 30 डिग्री के एंगल पर झुकाऊंगा फिर उसके बाद उसे आगे की तरफ पुश करूंगा। आगे की तरफ पुश करने पर क्या होगा कि आपका जो सतह पर लगा हुआ अनावश्यक धातु है वो छीलन के तौर पर क्या होगा कटकर बाहर निकल जाएगा। लेकिन जब भी आप लोग स्क्रैपिंग करते हैं किसी फ्लैट सरफेस पर तो फ्लैट सरफेस में स्क्रैपिंग करने के दौरान आप लोगों को क्या करना पड़ेगा पहले तो आपने फॉरवर्ड स्ट्रोक पर क्या की एक बार वो स्क्रैपिंग करी फिर उसके बाद और भी अधिक यदि फिनिशिंग प्राप्त करना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आप लोग पहले फॉरवर्ड स्ट्रोक में करेंगे फिर उसके बाद लंबवत बोला जाए परपेंडिकुलर स्क्रैपिंग करने पर क्या होगा इसके सतह पर और भी ज्यादा फिनिश सतह प्राप्त होगी। और दूसरी बात जब भी आप लोग स्क्रैपिंग करें तो स्क्रैपिंग का स्ट्रोक मतलब क्या होगा कि आप लोग जब भी स्क्रैपर से धातु को आगे ढकेले तो उस समय उसकी यदि 12 एमएम से अधिक होगी तो वो क्या होगा था और अधिक धातु नहीं काट पाएगा। तो जब भी स्क्रैपिंग करें कम से कम 12 एमएम तक का ही क्या करना पड़ेगा फॉरवर्ड स्ट्रोक लगाना और फॉरवर्ड एक बार फॉरवर्ड स्ट्रोक लगा दिया गया तो उसके बाद और भी ज्यादा फिनिश यदि आप लोग को सतह चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा लॉन्गिट्यूडनल या बोला जाए लंबवत स्ट्रोक लगा कर क्या करना पड़ेगा और भी ज्यादा फिनिश सतह प्राप्त करना होगी। और उसी प्रकार जैसा मान लीजिए मेरे पास एक बॉल बेयरिंग है, बॉल बेयरिंग की सतह अंदर वाली सतह पर यदि आप लोग को स्क्रैपिंग करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हाफ राउंड स्क्रैपर लिया, हाफ राउंड स्क्रैपर को इस बॉल बेयरिंग के अंदर डाला और जिस प्रकार आप लोग ड्रॉ फाइलिंग करते हैं ठीक उसी प्रकार इस स्क्रैपर को चलाकर या बोला जाए रॉक एंड या बोला जाए कि ऊपर नीचे घुमाकर इस पर क्या कर सकते हैं स्क्रैपिंग कर सकते हैं।